2000 में उतने हम खुश रह गेलियो गदगद हो गेलियो हम के झारखंड अलग है और उतने तक खुश रह गेलियो। लेकिन जे यहां सत्ता में सत्ताधारी लोग जे आए हो जे सत्ताधारी अगर यहां बैठलो झारखंड में वो तो झारखंड के विकास नहीं कर लो। अगर झारखंड के विकास के बारे सोचता लो तो जितना भी यहाँ अधिकारी लोग रहते थे तो झारखंड के रहते थे सबके सब झारखंड के रहते थे। लेकिन अभी जहाँ भी देखा अधिकारी के नाम है लोग तो बाहर आए रहे और अभी भी चलल आए रहे अभी भी बाहरिए घुस रहा। तो कहीं ना कहीं हम इनके यहाँ लोकल यहाँ के पूंजीपति बाहरी नेता आए के घुस के हम इनके झारखंड के विकास हेवे नहीं दे रहे। तो कितना दिन ही सोच रहा था हमने अपने में अभी चर्चा परिचर्चा में सुना था भाई कि बाहरी लोग जितना हथुन ने क्षेत्रीय पार्टी वोट कभी ना करते कभी ना करते क्षेत्रीय पार्टी के वोट अभी इसलिए ना कर कहे ना कर दो सेटा सोचे बात इसलिए ना कर दो कि वो जान तो कि अगर हम क्षेत्रीय पार्टी के वोट कर रही हो तो हमारे विकास ना है तो यहाँ क्षेत्रीय विकास है तो झारखंड के विकास है तो झारखंड के हित में नियम नीति बन तो इसलिए बाहरिया लोग चाहो हो हमारे बाहर से जो पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो ओकरे वोट दे। तो हम इनका सोचा है जब बाहरी लोग चाह रहे हैं कि यहाँ घुस के अनुवार वो अपन सोच रहे लोग कि हम क्षेत्रीय पार्टी वोट नहीं देवो तो हम इनका सोच रहे हो कर लिए तो हम इनको तो सोचे है तो कि जब वो तरी वो सोच रहे थे हम तो सोच रहे हम इनके क्षेत्रीय पार्टी कौन लगे ओकरा वोट देवे। अब इतना हम कहे चाहे हो कि जिस क्षेत्रीय पार्टी में जेमे मारा सुना हो खुले मंच में हम कहते हैं जेमे मारा सुना हो क्षेत्रीय पार्टी में इसलिए ना हो अगर क्षेत्रीय पार्टी में वो रहता लो तो बीजेपी के साथ कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं रहता ये चीज जानो कि नहीं ओका साथ गठबंधन अगर वो है जो क्षेत्रीय पार्टी तो आपने आप क्या समझो है तो जेएमएम के जेएमएम और आसू गठबंधन का है ना इसीलिए हम इनके झारखंड विकास में है रहा बाहर के लागो ओकर से पहले ओकर पापा है तकर बाद ओकर भेटवा आए।
झारखंड में समझ रहा हूँ और हम समझ नहीं पा रहा हूँ। बताओ एक नेता के बेटा नेता बन सका है, एक मंत्री के बेटा बन सका है, एक मंत्री के बहू बन सका है, तो एक क्रांतिकारी बेटा, एक गरीब के बेटा, एक माटी के बेटा क्या है नहीं बन सका है। इधर सब के इस बार संकल्प लिए है तो कि आप ही हमें के लिए चुनाव है, तो चुनाव में सबके संकल्प लिए है तो कि हमारे यहाँ के आदमी होना चाहिए, हमारे झारखंड के आदमी होना चाहिए, पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए। जे जाए के झारखंड अभी देख जाए रहा वोट वक्त दिन आए रहा लो ने मुर्गी जितना हमें काटे है ने अतिथि दीदी करके बुला में दूगो चार सीट के से करी उन 50 पैसा कर बतन दूगो चार सीट है मुर्गियां घुसो ने घरवा ओहे कहीं खुश लावत रह जितना है तुम नेता मंत्री सब कह के तुम हमी बना दो रोड बना दो पुल पुलिया बना दो तोर गांव का विकास कर दे बो तो विकास कहां से कर दे तो ओकरा खुदे पता नहीं कि हम विधायक बना तो हम कौन चीज कर तो हर एक महिला के हर एक यहां के जनता के अब सवाल कर रहे हो कि तो जीत गए तो तो हमार बाल बच्चा के लिए का करे झारखंड के लिए का करे ईटा साहब के बोले लागतो और सब की ना सवाल करे लगते कहे कि बहुत देख लियो हमें आज झारखंड अलग है से 23 साल दिन हो गए लेकिन कोई हमें के झारखंड के हित के नियम नीति नहीं बन रहा। अगर सही से नियम नीति बन रहा तब तो बहरिया का राज करवे ना करते हमें के पढ़ल लिखल बाल बच्चा ना हो। अरे जिदार हम कह दिए चाहे जकर भी बाल बच्चा पढ़ रहा था और पढ़ा लाख और नौकरी नहीं कर ले बाल बच्चा कभी गलती नहीं थे कि हमारे बाल बच्चा पढ़ के का कर का कर तो बाल बच्चा पढ़ के सही से नियम नीति रखो तो नियम नीति यहाँ के सत्ताधारी सब बनाई है ना तुम तो इसलिए गलती नहीं करी का अपन बाल बच्चा गलती दोष नहीं दिया। इसीलिए हम इनके झारखंड इस तरह में यहाँ के दशा यहाँ के दिशा सब खराब है जा रहा है। हम इनके हर कुछ में दाग लगा हो चाहे हम इनके संस्कृति हो चाहे तो हम इनके रीति रिवाज हो। अभी तो बिहार शादी की बात जी आज तो बिहार शादी में देखे थे भाई मैक्सिमम 8 से 10 लाख रुपये खर्चा है जाए है वो है कि ना है वो लेकिन दोनों पार्टी में ना लड़का पक्ष में ना लड़की पक्ष में वो खर्चो बेकार है जाए खाली चमक चमक देखावे में खाली सजावटी में। पहले हम इनके शादी बिया है वह इतना धूमधाम से है वाला अगर शादी जकर कर है तलो ना रास्ते में आदमी चल जाए तो करो वो कह दे तुम लोग की तोर खराब कौन चीज नहीं दे रहा हूं खाली गीत के माध्यम से लेकिन आज कह वो गीत करने भीतर आ गए नेग तोर घर का है तो पटेल चल रहे सब डीजे लगा दे तो कहीं कहीं बेकार खर्चा। इसीलिए आप हम इनके जागे पर तो बहुत शोषण कर लो तुम आप शोषण ना है मैं दिए हो। अरे यहाँ अगर झारखंड में हमें बदलाव बदलाव करके सोच रहा ली और बदलाव के लिए निकला ली हर एक महिला भी आगे आवे तो बदलाव करे तो हर एक महिला के संकल्प लिए है तो कि हम आगे बढ़ चढ़ के भाग ले। अब यहाँ बोले तो बहुत कुछ हो इतना हम इन शोषित फैलाइयो कि बोलने कभी खत्म ना है तो लेकिन हम इनके बीच